गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप आईएएस डेली करेंट अफेयर एमसीक्यू डिस्कशन में आपका स्वागत है। हम हर दिन कुछ महत्वपूर्ण सोर्सेस जैसे द हिंदू, मिंट, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, राज्यसभा टीवी इत्यादि से आईएएस या पीसीएस में पूछे जा सकने वाले करेंट अफेयर के टॉपिक लेकर आते हैं, आपके साथ डिस्कशन करते हैं। ये जुलाई महीने का हमारा पहला डिस्कशन वीडियो है। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र 5 प्रकार के होते हैं। दूसरा कथन कहता है इसका कारोबार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में किया जा सकता है। अब आपको इन दोनों में से सही कथन की पहचान करनी है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को जीएस पेपर 3 के ऊर्जा से जोड़कर देख सकते हैं। यदि हम बात करें अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र का, तो यह ऐसा प्रमाण पत्र है जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न किए जाने वाले स्रोतों के लिए दिया जाता है। यानी कि ऐसा ऊर्जा जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्सर्जित किया जा रहा हो, निर्मित किया जा रहा हो, उसके लिए जो प्रमाण पत्र दिया जाएगा उसे ही अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र या फिर REC रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट कहा जाता है। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। एक सौर ऊर्जा से किए जाने वाले स्रोतों के लिए दिए जाने वाला प्रमाण पत्र और दूसरा गैर सौर ऊर्जा स्रोतों से उत्सर्जित किए जाने वाले स्रोतों के लिए दिया जाने वाला प्रमाण पत्र। जो सौर ऊर्जा के मामले में दिया जाता है आप जान रहे हैं, वो सूर्य से उत्पन्न किए जाने के लिए दिया जाता है। जो गैर सौर ऊर्जा के लिए दिए जाते हैं इसमें मुख्य रूप से पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा इत्यादि के क्षेत्र में दिया जाता है। यानी कि ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला क्या कह रहा था, ये 5 प्रकार के होते हैं, तो ये गलत हो जाता है। दूसरे कथन में ये आपको बताया गया था कि इसका एक्सचेंज, इसका लेन देन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में किया जा सकता है। ये गलत है क्योंकि वर्तमान में भारत में 2 इकाइयों पर इसका लेन देन किया जाता है। एक तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और दूसरा पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये 2 ऐसे सेंटर हैं जहां पर अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र का लेन देन किया जाता है। एक अन्य बात आपको ये भी याद रखना है कि इस प्रमाण पत्र का लेन देन इन दोनों इकाइयों पर ही किया जाता है, लेकिन महीने के अंतिम बुधवार को ही किया जाएगा, इसके अलावा और कभी भी नहीं किया जाएगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इसका यूनिट क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे एक अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र 1 मेगावाट के बराबर होता है। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 1 अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी इनके संबंध में, तो आप इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है, पॉइजन पिल शब्द का अर्थ है। आपको यहां पर 4 कथन दिए गए हैं, बताना है पॉइजन पिल का क्या मतलब होता है। पहला कहता है यह रक्षा कंपनी द्वारा अपनी संभावित शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण को रोकने या हतोत्साहित करने के लिए लक्ष्य फर्म द्वारा उपयोग की जाने वाली एक रणनीति है। दूसरा कथन कहता है अधिग्रहण की लागत को पूरा करने के लिए उधार ली गई धनराशि का एक महत्वपूर्ण राशि का उपयोग करके किसी कंपनी किसी अन्य कंपनी का अधिग्रहण करती है। अगला कथन कहता है बाजार में एक कंपनी की कीमत की तुलना में प्रति शेयर कीमत के लिए दूसरे के शेयरों को खरीदने के लिए एक कंपनी द्वारा की गई पेशकश। चौथा कहता है कुछ स्थितियों में कानूनी या नियामक दायित्व को कम करने या समाप्त करने का एक कानूनी प्रावधान जब कुछ शर्तों को पूरा किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा सही है। सबसे पहले आप इसे समझें, आप इसका आंसर खुद निकाल लेंगे। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसने 1000 रुपये का एक कंपनी बनाया। अब इस कंपनी को उसने ऐसे खड़ा किया कि 500 रुपया तो उसने खुद लगाया, लेकिन 500 रुपये का उसने जुगाड़ किया। अब वो जो जिसने जुगाड़ किया वो 100 के शेयर में जुगाड़ किए, मतलब 5 व्यक्तियों को उसने कहा कि आप मेरी कंपनी में पैसे लगाओ, मैं आपको 100 का शेयर देता हूं। अब इस कंपनी के टोटल कितने मालिक हो गए, 6 मालिक हो गए, लेकिन कोई एक व्यक्ति के पास इतना अधिकार नहीं है
सिवाय इस व्यक्ति के कि इस कंपनी में अपना मामला चला सके, अपने बातों को मनवा सके। सारे लोगों के पास में जो पांच अन्य व्यक्ति हैं इक्वल अधिकार दिया गया है। अब क्या किया जाएगा कि कभी भी आने वाले समय में इन पांच व्यक्तियों में से जिन्होंने एक एक 100 रुपये का शेयर खरीदा था, इतना अधिकार नहीं दिया जाएगा, शेयर खरीदने की इतनी अनुमति नहीं दी जाएगी कि इस व्यक्ति के अलावा इस कंपनी पर अपना अधिकार स्थापित कर पाए। यानी कि जो शेयर धारक होते हैं उन शेयर धारकों को रोकने की कोशिश की जाती है ताकि जो कंपनी है वहां पर अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना ले। कौन शक्तिशाली ना बना पाए? जो एक एक 100 का शेयर खरीदे थे उन लोगों के लिए होते हैं। तो जो रोकने का प्रवृत्ति होता है, रोकने के लिए जिस शब्द का उपयोग किया जाता है उसे ही पॉइजन पिल कहा जाता है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अब यहां पर हम क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, जिसमें कह रहा था कि कंपनी द्वारा संभावित शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण, मतलब जो 500 रुपये का शेयर था उसके अलावा बाकी लोगों ने, जिन लोगों ने शेयर खरीद रखा था उसके अधिग्रहण को रोकना, ताकि रोकना या तो हतोत्साहित करना ताकि जो फर्म है उसको बचाया जा सके, उस पर अपना अधिकार स्थापित करने से किसी दूसरे व्यक्ति को रोका जा सके। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो आप इसे याद रखेंगे। आपको यह पूछा क्या जा सकता है, यह किससे जुड़ा हुआ है? तो आप याद रखेंगे शेयरधारिता से जुड़ा हुआ है, किसी कंपनी से जुड़ा हुआ है। तो यह आपको याद रखना है। क्या होता है आपने समझ लिया है। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है? ACT एक्सेलेरेटर हब निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? आपको यहां पर 4 संस्थानों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि ACT एक्सेलेरेटर हब किससे जुड़ा हुआ है। पहला कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व आर्थिक मंच, यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को GS पेपर 2 के इंटरनेशनल ग्रुपिंग से जोड़कर देख सकते हैं। यदि हम बात करें फ्रेंड्स ACT एक्सेलेरेटर हब का, तो यह विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़ा हुआ है। यह एक प्रकार का गठबंधन है। किस चीज के लिए गठबंधन? किसी भी महामारी के लिए दवा खोजने के लिए जो शोध होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए गठबंधन। ये गठबंधन सिर्फ दवा खोजने के क्षेत्र में शोध करने का कार्य नहीं करता है, बल्कि ये गठबंधन उस शोध के लिए पैसे जुटाने का भी कार्य करता है। साथ ही यदि दवा मिल जाता है तो उस दवा को कैसे वितरित किया जाए, कैसे सभी लोगों को उपलब्ध कराया जाए, इस चीज के लिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो गठबंधन किया गया है उसे ही ACT एक्सेलेरेटर कहा गया है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। पूछा जा सकता है, काफी महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा। एक अन्य बात जिसको आपको याद रखना है, और ये न्यूज में अभी आया है, इन्होंने एक अपडेट अभी रिलीज किया, उसमें कहा कि अभी तक हम कोई भी कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन नहीं खोज पाए हैं। ना तो किसी विश्व के किसी एक हिस्से ने इस चीज पर कामयाबी हासिल की है। इनके द्वारा कहा गया कि लाखों लोग हैं जिनका जीवन और अर्थव्यवस्था महामारी की वजह से अभी प्रभावित है। ऐसा अपडेट इनके द्वारा रिलीज किया गया था और इसके बारे में आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के अंतर्गत आया था, जिसे हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसे आप ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है? ट्यूलिप कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि HRD मिनिस्ट्री और AICTE के बीच एक साझेदारी के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। दूसरा कथन कहता है यह देश भर में सभी शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम है। अब आपको इन दोनों कथनों में से सही की पहचान करनी है। आप हमारे इस डिस्कशन को GS पेपर 2 के गवर्नमेंट स्कीम या फिर इनिशिएटिव से जोड़कर देख सकते हैं। UPSC हर साल चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, कम से कम 5 ऐसे प्रश्न पूछती है। वो करेंट और स्टैटिक दोनों से जुड़ा होता है, आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें ट्यूलिप कार्यक्रम का, तो उसके बारे में दिया गया पहला कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसे
एचआरडी मिनिस्ट्री के सहयोग से नहीं शुरू किया गया है, इसे शहरी और आवास मामलों के मंत्रालय और AICTE इन दोनों के द्वारा मिलकर इसे शुरू किया गया है। ये क्या है फ्रेंड्स? ये एक ऐसी पहल है जिसके अंतर्गत जो नए नए स्नातक किए हुए छात्र हैं उन लोगों को आसानी से इंटर्नशिप उपलब्ध कराने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। भारत के सभी शहरों में या फिर भारत के जितने भी स्मार्ट सिटी हैं वहां पर स्थानीय निकायों में जो नगर पालिका नगर निगम होती हैं उन स्थानीय निकायों में इंटर्नशिप उपलब्ध कराने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि इसे किसने शुरू किया, क्या है, किस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है। तो ये आपने समझ लिया। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। पहला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसका मंत्रालय जो है वो शहरी और आवास मामलों का मंत्रालय है, हालांकि ये इकाई इसमें उपलब्ध है। दूसरा बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। हमारे डिस्कशन का अंतिम प्रश्न क्या कहता है? ब्राउन बौने यानी कि ब्राउन डॉफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको दो कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है ये सबसे भारी विशाल गैस ग्रहों और कम से कम बड़े तारों सितारों के बीच एक द्रव्यमान है। दूसरा कथन कहता है वे अब तक सूर्य के पड़ोस में सबसे आम प्रकार के स्टार हैं। अब आपको बताना है कि ब्राउन डॉफ के बारे में दिया गया दोनों में से कौन सा कथन सत्य है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को जीएस पेपर 1 के ज्योग्राफी से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए हम समझते हैं कि डॉर्फ प्लैनेट यानी कि ग्रह जो होता है वो क्या होता है। इसको बौना ग्रह भी कहा जाता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स? आप देखिए, हम तीन यूनिट लेते हैं, तीन इकाई लेते हैं। एक सन है, दूसरा डॉर्फ प्लैनेट है और तीसरा कोई ग्रह है जो हमारे सौर मंडल का ग्रह है, चाहे वो पृथ्वी हो सकता है या फिर दूसरा हो सकता है। ये जो ग्रह होते हैं उनमें प्रकाश उत्सर्जित करने का गुण नहीं पाया जाता है, सूर्य में पाया जाता है। इनका द्रव्यमान बहुत ज्यादा नहीं होता है, इनका द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है। लेकिन कोई ऐसा ग्रह जो ना तो सूर्य के जैसा बहुत ज्यादा द्रव्यमान वाला हो और ना ही कोई विशालकाय गैसीय द्रव्यमान वाले ग्रहों के जितना बहुत कम द्रव्यमान का हो, इन दोनों के बीच का जो ग्रह होगा उसे ही बौना ग्रह या फिर डॉर्फ प्लैनेट कहा जाता है। अब आपने समझ लिया कि डॉर्फ प्लैनेट क्या होता है। जो डॉर्फ प्लैनेट होते हैं फ्रेंड्स, इसमें ना तो सूर्य के जैसा पूरा पूरा गुण होता है और ना ही जो गैसीय ग्रह होते हैं, मान लेते हैं पृथ्वी, तो पृथ्वी के जैसा भी इसमें लक्षण नहीं होंगे। हालांकि इसमें दोनों के लक्षण है, थोड़ा सा सूर्य का यानी कि किसी स्टार का लक्षण, थोड़ा सा किसी गैसीय ग्रह का लक्षण। तो जो लक्षण बीच वाला होता है उसे ही डॉर्फ प्लैनेट या फिर बौना ग्रह कहा जाता है। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ब्राउन, दूसरा होता है रेड। जो ब्राउन होते हैं वो सूर्य से काफी दूर होते हैं और जो रेड होते हैं वो सूर्य के थोड़े से नजदीक होते हैं, तुलनात्मक रूप से थोड़े से नजदीक होते हैं। तो आपने जाना कि इस डॉर्फ प्लैनेट क्या होते हैं और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसको मैंने आपको बताई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा था? ये सबसे भारी विशालकाय ग्रहों, गैसीय विशालकाय ग्रहों और कम से कम बड़े सितारे तारों के बीच का एक द्रव्यमान है। बिल्कुल सही है, जो तीन इकाइयां थी उनके बीच का जो हिस्सा है, जो यूनिट है, उसे ही ब्राउन डॉर्फ कहा जाता है। तो पहला सही हो जाता है। दूसरा कहता है वे अब तक सूर्य के पड़ोस में सबसे आम प्रकार के स्टार हैं। वे मतलब ब्राउन डॉर्फ के बारे में बता रहा है? नहीं, ब्राउन डॉर्फ के बारे में मैंने क्या बताया, ये दो प्रकार के होते हैं, एक रेड होता है एक ब्राउन होता है। तो जो रेड होता है ना वो सूर्य के सामान्यतः थोड़ा सा नजदीक होता है, किसकी तुलना में? ब्राउन डॉर्फ की तुलना में। इसलिए दूसरा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ठीक, क्यों गलत हुआ? अब आपने देख लिया इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहला सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब मैप के माध्यम से देखें, ये सूर्य है, ये सूर्य है, ये हमारा पृथ्वी है
और हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है, एक गैसीय ग्रह, वो जुपिटर है। ये आपने देख लिया, यानी कि जुपिटर है। अब इन दोनों के बीच का एक दो यूनिट है जिसे हम क्या कहेंगे, इसे रेड ड्वार्फ कहेंगे और इसे ब्राउन ड्वार्फ कहेंगे। रेड जो है वो सूर्य के थोड़े से तुलनात्मक रूप से नजदीक है और ब्राउन जो है वो सूर्य से तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा दूर है। हालांकि इन दोनों में न तो पूरी तरह सूर्य के गुण है और ना तो पूरी तरह से किसी गैसीय ग्रह के गुण है, तो इसलिए इन दोनों को क्या कहा जाता है, ड्वार्फ। अगर हम बात करें कुछ ऐसे उदाहरणों का, तो ये सूर्य है और ये सौर मंडल में हमारा पृथ्वी और जुपिटर होगा, और जो ड्वार्फ प्लैनेट है वो कुछ यहां पर स्थित है जो सूर्य से कम 6 प्रकाश वर्ष दूर है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा आज का डिस्कशन था। हम अपने आज के डिस्कशन को यही रोकते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।